हे गाइस, वेलकम बैक टू द आईपीओ रिव्यू वीडियो। अभी हमारे सामने एक से बढ़कर एक आईपीओ आ रहा है और हमारा दुविधा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉपर फंड एलोकेशन किस आईपीओ में कितना किया जाए। तो आपकी उसी दुविधा को कम करते हुए हम आज एक और आईपीओ का रिव्यू लेके आए हैं। कंपनी का नाम है मथुट माइक्रोफिन। अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी लोन्स प्रोवाइड करती है फीमेल कस्टमर्स को इन रूरल एरिया। कंपनी ने 2021 में एक महिला मित्र ऐप भी लॉन्च की थी। अगर बात करें उसके एक्टिव कस्टमर्स की तो एज पर 31 मार्च 2023 उसके एक्टिव कस्टमर थे 2.7 मिलियन। 1172 ब्रांच कंपनी की ऑलरेडी हो चुकी थी एज पर 31 मार्च 2023। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी डेट्स की तो आईपीओ ओपन होगा 18 दिसंबर को और क्लोज होगा 20 दिसंबर को। नए रूल के हिसाब से नेक्स्ट डे इसकी अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा और 26 दिसंबर तक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो टोटल एसेट्स 4000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, जो कि 2x हो गया इन जस्ट 2 ईयर्स। इवन रेवेन्यू भी 700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1400 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। बात करें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो कंपनी का बड़ा है 7 करोड़ से 163 करोड़, जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है। फाइनली अगर बात करें इसकी टोटल बोरोइंग्स की तो वो 3000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 6000 करोड़ को ग्रोथ कर चुकी है। ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम चाहते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमने नोटिस किया कि आप वीडियो को पसंद तो करते हैं बट लाइक और शेयर करने में घबराते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं बट हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट वैल्यूएशंस की। तो कंपनी का पी रेशियो निकल के आता है 25 के आसपास और मार्केट कैप इस पी रेशियो में ऑलमोस्ट हो जाता है 5000 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का है ऑलमोस्ट 4 के आसपास, जो काफी ज्यादा हो जाता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी कंपनी के लिए होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 10%, जो काफी अट्रैक्टिव नहीं है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो कंपनी का प्राइस बैंड रहने वाला है 277 से 291 और हमें अगर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो अप्लाई करना होगा कट ऑफ प्राइस और एचएनआई कैटेगरी में मैन्युअली पंच करना होगा 291। टोटल इश्यू साइज रहने वाला 960 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू होने वाला 760 करोड़ और ओएफएस होने वाला है 200 करोड़। ओएफएस छोटा होना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट अगर इसकी QIB शेयर की बात करें तो वो रहने वाला है इसमें 50% का और रिटेल कोटा इसमें रहने वाला है 35% का। रिमेनिंग 15% इसमें रहने वाला है HNI कोटा। तो अगेन रिटेल कैटेगरी या फिर HNI बिग कैटेगरी हमारे लिए अट्रैक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके पीयर कंपेरिजन की तो सबसे पहले हमारे सामने नाम आता है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। इसका पी रेशियो है 13 का और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक अगेन एक पीयर है जिसका पी रेशियो है 16 का। तो इन पीई के हिसाब से कंपनी एक महंगा आईपीओ हमारे सामने लेके आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी चल रहा 35% के आसपास, जिसका रीजन है पहला तो कि मार्केट अभी पॉजिटिव है और आईपीओ में भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सेकंड, कंपनी की एक एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ है प्रॉफिट में वो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से मार्केट इसको अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक दे रही है। तो हम पर्सनली इस आईपीओ को लेकर काफी एक्साइटेड है और इसमें HNI कैटेगरी में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।